मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई मुद्दे बचे नहीं, क्योंकि जो पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा था 10 साल से मैं यहाँ का विधायक हूँ, सीहोर की जनता ने जो मेरे से मांग रखी थी वो सब धरातल को पूरी हो चुकी है। पर जैसा हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि विकास कभी रुकता नहीं, आगे भी जो हमारी जनता जनार्दन देव तुल्य जनता जो आदेश करेगी उसका पालन करते रहे। अभी भाजपा का नारा है कि विकास किया है, विकास करेगी, लेकिन कांग्रेस कहती है कि भ्रष्टाचार है, दिक्कत है, परेशानी है, प्रजा त्रस्त है। इस विषय में आपका कहना है? जिनकी आंखों पे चश्मा लगा है उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी के काम जो दिख रहे हैं, आप सीहोर की मैं बात करूंगा, आप खुद जाके घूम कर देख लें कि सीहोर पहले क्या था और आज क्या है। तो जिनको विकास समझ भी नहीं आता वो ऐसी बात करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी ही बात करने में मज़ा आता है। काम करती है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जिसको रोजगार लेना है उसके पास रोजगार मिलता है, आदमी को निकलना पड़ता है। अनगिनत योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र की सरकार की। अगर किसी को ढूंढना है रोजगार तो सामने है रोजगार, पर किसी को नहीं ढूंढना है तो वो कहाँ से रोजगार होगा। सीहोर की बात करो तो सीहोर में इंडस्ट्रियल एरिया आज 750 एकड़ में विकसित हुआ है, जिसमें 1500 करोड़ का ITC प्लांट आ रहा है। छोटे बड़े उद्योग अनगिनत वहाँ चालू हो गए। तो जिनको रोजगार चाहिए निकले, हम लोग बैठे काय के लिए, हम मदद करेंगे उन्हें। सीहोर में बहुत ही सुसज्जित अस्पताल बना है, साथ में अभी 300 सीटर का एक नया विंग भी बन रहा है। सीहोर में छोटे गांव में भी चले जाएंगे तो उपस्वास्थ्य मिलेंगे आपको। शिक्षा के बारे में बात करो तो CM राय स्कूल, PM श्री स्कूल हमारे सीहोर में हो गए हैं, और आप जाके देखेंगे कॉलेज, अभी ही एक नई सुसज्जित बिल्डिंग कॉलेज को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगात दी। हमारे गर्ल्स कॉलेज में जाएंगे, अभी नई नई बिल्डिंगें बन गई, नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया है। तो कहाँ वंचित है कोई स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी के हित की बात रखी है तो किसान भाइयों की रखी है, और वो धरातल पर है। या आप पूरे देश में, प्रदेश में देखेंगे तो किसान के लिए अनगिनत योजनाएँ भारतीय जनता पार्टी ने दी। आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान की आपका मुखिया बेहतर काम किया है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो मोदी जी को आगे करके इस चुनाव लड़ने के प्रयत्न किया जा रहा है, इसके ऊपर आपको देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है जिसमें सब समतल है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो बात करते हैं सबके साथ करते हैं। अब ये कौन मुख्यमंत्री बनता है, ये बात कौन बनाता है, ये जनता मिलकर बनाती है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अनगिनत काम करे हैं, और आज पूरे प्रदेश में कहीं डंका बज रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम का बज रहा है। और हमारे मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रदेश को, देश को अगर आज संबल बनाया है, आज देश जो तरक्की कर रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ही कर रहा है। मैं प्रतिनिधित्व की बात नहीं करता, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, और हम हजारों हजारों मतों से जीत के आ रहे हैं। इस हमारी हमारी चैनल के माध्यम से आपकी विधानसभा क्षेत्र के प्रजा को संदेश या कुछ अपील करना चाहते हैं? हमारे सीहोर की विधानसभा की जो देवतुल्य कार्यकर्ता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो उन सबके लिए खूब खुश रहें, खुशहाल रहें, संपन्न रहें, यही मैं काम करूंगा। बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज के साथ। धन्यवाद।